जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम आज सुबह से लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके घर पर पूछताछ करने पहुंची। 12 अफसरों की टीम 2 से 3 गाड़ियों में उनके पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर पहुंची। इधर आरजेडी नेता और कार्यकर्ता आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता। कोई नई बात तो है नहीं, चाहे IRCTC का हो या लैंड फॉर जॉब का हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों केसेस में रेलवे में आज तक रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब CBI को ही सौंपनाते हैं कि घोटाला जो है हुआ। ऐसा क्यों? पूरा देश जानता है कि लालू जी एज ए रेल मिनिस्टर नोन एज ए मैनेजमेंट गुरु और 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को दिलवाने का काम किया। उनके नेतृत्व में रेलवे 90,000 करोड़ का मुनाफा जो है वो किया। और चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य में मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या बिहार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो किसी को नौकरी दे ही नहीं सकता है। वो एक विभागीय प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है। नौकरी को लेकर के आप बता दीजिए, कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई? जाने वाली है, छापा पड़ना है, कोई नई बात नहीं है। हम लोग मालूम था कि छापा पड़ना ही पड़ना है। तो मुसीबत तो बढ़ जाएगी। मुसीबत कोई क्या पड़ने वाला है? हम छोड़ी किया कि मुसीबत बढ़ जाएगी। 15 को सबको कोर्ट ने समन किया है, जब पहुंचना है उसके पहले छापेमारी हो रही है। कोर्ट का आदेश हुआ है उसका पालन होगा ही। कोर्ट पारित किया जा रहा है, लेकिन यह जो नोटिस हुआ नरेंद्र मोदी का साजिश है। नरेंद्र मोदी के बिहार में स्वतंत्र बिहार में वर्चस्व कर रहा है। ये जो महागठबंधन का रैली हुआ दबाने के लिए महागठबंधन रैली हुआ उसका जवाब है महारैली साबित कर दिया। डरने वाले नहीं है राजद और महागठबंधन, हम लोग डरने वाले नहीं है। CBI का छापामारी जो है, या CBI ने तो भाई नौकरी के बदले जमीन का मामला तो है ना, यह मामला सरासर गलत है। इसे फंसाया जा रहा है, तेजस्वी जी को फंसाया जा रहा है, लालू जी को फंसाया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं, ऐसा प्रूफ करके देखे, प्रूफ नहीं हो सकता है, ऐसा गलत है। हमको अभी हम जा रहे थे विधानसभा मिलने के लिए, तो मालूम हुआ कि जो राबड़ी आवास पर छापा पड़ रहा है, तो हम लोग को बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। कहे कि महारैली जो पूर्णिया में हुआ है, अब महारैली में साबित कर दिया कि बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी को 100 से ज्यादा सीट नहीं होगा और उनकी सरकार चली जाएगी। उसके वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं और उसका ये साजिश है। ये हम लोग जानते थे कैसा होने वाला है। डराने धमकाने की साजिश है और जितना भी तुम डराओ धमकाओ 2024 में तुमको जाना है। बिहार में जो महागठबंधन बना है उसकी सफलता को देखते हुए, जो पूर्णिया की रैली की सफलता को देखते हुए घबराए हुए हैं और उसी से ये सब कार्रवाई हो रही है। अभी बताइए, आप तो इन पे छापा मार रहे हैं, अभी पीएम केयर वाला जो फंड में जो कोरोना काल में जो आपको इतना 1,000 करोड़ रुपया डाला, वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब नहीं देते हैं, सिर्फ लालू यादव से हिसाब मांगते हैं। कभी जमीन ले लिए, कभी नौकरी दे दिए, क्या मतलब है? देखिए झूठ मूठ का परेशानी किया जा रहा है। एक बूढ़ी माता है, एक हमारे लालू जी बीमार है और उनके घर पे छापा मारा जा रहा है, क्या मतलब है? आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में CBI की चार्जशीट पर कोर्ट ने समन जारी किया है। CBI ने चार्जशीट में लालू यादव के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। 15 मार्च को कोर्ट में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती को पेश होने के आदेश दिए गए हैं।